नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। तीन कृषि कानूनों के विरोध में कल प्रदेश भर के किसान बरनाला रोड पर स्थित उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के आवास का घेराव करेंगे। इसे लेकर के प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के प्रबंध भी किए हैं। उप मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री के आवास की ओर जाने वाले सभी मार्गों व गलियों को सील कर दिया गया है। 12 पुलिस कंपनियों को सुरक्षा के लिए सिरसा बुलाया गया है। 10 DSP तथा 30 इंस्पेक्टर सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। शहर में प्रवेश के कई रूटों को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। जगह जगह पर बैरिगेट्स भी लगा दिए गए हैं। ब्रज वाहन व वाटर कैनन सहित सुरक्षा के कई उपकरण भी मंगवाए गए हैं। पल पल सिरसा से अमर जानी की विशेष रिपोर्ट। जो 6 तारीख को जो किसानों का जो प्रोग्राम है वो दशहरा ग्राउंड में उनको स्थान दिया गया है। वहाँ पर जो उनकी गैदरिंग होगी उसके संदर्भ में हमने एंटिसिपेट करके अपनी फोर्सेस लगाई हैं। हमने इसमें एक लिखित प्रोग्राम भी जारी कर दिया है। हमारी लगभग 12 कंपनियां हमने इसमें तैनात की हैं, जिसमें बहुत सारे शहर में नाके भी होंगे ताकि शहर का ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता रहे। ट्रैफिक के स्टाफ की अलग ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और वैसे नाके जो कुछ बड़े कुछ छोटे इस तरह भी हमने नाकों में डिवाइड करके और अपनी ड्यूटियाँ लगाई हैं। हमारी तरफ से हमने अपनी तैयारियाँ जो है लगभग पूरी कर ली हैं और हमें उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और अपनी शांति से ये प्रोग्राम हम उसको निपटाएंगे। वो उनकी डिमांड पर जो उस मौके पर जो बात होगी उनसे विचार विमर्श करके और अगर कोई टाइप की ज़रूरत है तो उनका प्रतिनिधिमंडल 4 आदमी 5 आदमी वो DC साहब से हम बात कर लेंगे। जैसा जो प्रोग्राम बनेगा उसको भी एडजस्ट कर लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, जगह जगह हमने बैरिकेड भी लगाए हैं। जहाँ बंद करने की आवश्यकता होगी, रूट डाइवर्ट करने की आवश्यकता होगी, वो समय अनुसार और हालात अनुसार हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लोगों से हम अपील करेंगे कि यही जो भी हमने ट्रैफिक डाइवर्सन का प्लान बनाया है वो हम अपने PRO के माध्यम से जारी कर देंगे। थोड़े बहुत समय के लिए ट्रैफिक हम डाइवर्ट कर सकते हैं तो उस डाइवर्जन वाले ट्रैफिक को लोग फॉलो करें और उसकी पालना करें। हाँ, इस संदर्भ में हमने बहुत सारे अपने अधिकारियों की और जो थानाध्यक्षों की नाकों की इन सब की हमने ड्यूटियाँ लगाई हैं और हमें उम्मीद है कि हम अच्छा काम करेंगे।